आज हम ये जानेंगे कि गणेश दिवस हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की याद में मनाया जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रामानुज की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर 26 दिसंबर 2011 को एक आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस वर्ष घोषित किया गया था। इसीलिए महान गणितज्ञ रामानुज की याद में हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास के इरोड नगर में के ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। हर साल 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ रामानुज के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वैसे तो इस क्षेत्र में पुराने समय के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर जैसी महान हस्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन रामानुजन ने भी बहुत कम उम्र में एक स्पष्ट प्रतिभा के संकेत दिखाए और फ्रैक्शन, नंबर थ्योरी आदि के बारे में उनके योगदान में एक उदाहरण स्थापित किया। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने त्रिकोणमिति में महारत पा ली थी। खुद से बिना किसी सहायता के थ्योरम्स को भी विकसित किया था। साल 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुराना रजिस्टर मिला था जिसमें थ्योरम और कई फॉर्मूले लिखे हुए थे। इन थ्योरम को अब तक कोई सॉल्व नहीं कर सका है। इस रजिस्टर को रामानुजन नोटबुक के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें बचपन से ही गणित के प्रति लगाव था। मद्रास के जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी, बाद में उसका नाम उन्हीं के नाम पर निवास रामानुजन पर ही रखा गया। इन्होंने विश्व में भारतीयों का लोहा मनवाया, लेकिन मात्र 32-33 की आयु में इनका निधन हो गया था। पूरे एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। रामानुजन जी के संख्या पद्धति पर अद्भुत कार्य के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर माना जाता था। इनकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में 26 अप्रैल 1920 को हो गई थी। 2012 भारतीय डाक टिकट राष्ट्रीय गणित दिवस और रामानुजन की विशेषता के लिए समर्पित है। अपनी काबिलियत और अपने भगवान पर विश्वास के दम पर जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, उन्हें सशस्त्र नमन।